नमस्ते आप दोस्तों, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हरिद्वार में एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक्चुअली मैं सुबह ही उठ गया था, पर मैं वीडियो एडिट कर रहा था जिसकी वजह से अभी 2 बज गया है और मैंने अभी तक कुछ नाश्ता खाना नहीं खाया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जाता हूँ, कुछ खा पी के आता हूँ जब तक कि अपना वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। इसमें तकरीबन 54 मिनट्स बचे हुए हैं एक्सपोर्ट में। और ये अपने होटल का टेरेस है, यहाँ थोड़ा बहुत एरिया है, 5-5 से वो लगी हुई है और यहाँ से ये कुछ नज़ारा दिखता है, आप देख सकते हैं हरिद्वार का। यही सामने में मनोकामना सिद्ध महाकाली मंदिर है और नीचे अपनी गड्डी जल रही है धूप में, आप देख सकते हो वहाँ पे। खैर अभी हम नीचे उतरेंगे और इधर बहुत सारे लाइन से होटल्स हैं, तो किसी होटल में जाकर कुछ खाना पीना खाते हैं। हरिद्वार की सड़कों पर मैं उतर चुका हूँ और होटल की तलाश में आगे बढ़ रहा हूँ। वाह क्या लग रहा है यार, गजब। मैं खा के आया हूँ और ये जस्ट 100% पे रुका हुआ है, कुछ सेकंड में ये डन हो जाएगा। 50 रुपये में मैंने ये वाला एक एक्सटेंशन बोर्ड खरीद लिया है, मल्टीपल बोर्ड या मल्टी बोर्ड जो भी बोल दो आप, जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, तो ये मेरे एक साथ सारे गैजेट्स को चार्ज करने के काम आ जाएगा। मुझे काफ़ी दिक्कत होता था, जहाँ भी जाता था वहाँ पर एक ही पोर्ट मिलता था तो चार्ज करने में दिक्कत होता था, इसलिए मैंने ये खरीद लिया। अभी मैं बैठा हुआ हूँ होटल गोल्डन के कॉमन एरिया में और यहाँ पे वीडियो का अपलोड चल रहा है। ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ एक सोफा है, एक टेबल है और कुछ इस तरह के इंटीरियर्स हैं। और इनका वाईफाई बहुत ही ज़्यादा स्लो है। हाँ जी भैया, तो अपनी गड्डी जो है अभी निकल चुकी है, शाम की संध्या आरती हमें देखनी है। अभी बज रहे हैं 5 और 6 बजे संध्या आरती होती है, तो हमें जल्दी से जल्दी हर की पौड़ी पहुँचना होगा। और ये आप अपने सामने देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा सा त्रिशूल लगाया गया है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। इस त्रिशूल के साथ आप शंकर भगवान की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, हर की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो मूर्ति है शंकर भगवान का, वो हरिद्वार को रिप्रेजेंट करती है, बहुत ही फेमस मूर्ति है। यहाँ से हर की पौड़ी जा सकते हैं क्या? हाँ भाई, हर की पौड़ी जा सकते हैं यहाँ से? हाँ, गाड़ी पार्किंग होगी सर, हर की पौड़ी जा सकते हैं। हाँ हाँ चलेगा, रास्ता है ना? नहीं, रास्ता है ना जाने का? बस लगेगी 12 घंटे। 12 घंटे की? हाँ। 2-3 घंटे लगानी है तो सर इतना चार्ज लगेगा। यहाँ 10 मिनट अभी खड़ी करो, 10 मिनट बाद होगा, 50 रुपये चार्ज लगेगा। बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो आप लोग। उस पार्किंग में भी यही सर्विस सिस्टम है, उधर जो पीछे पार्किंग है, पीछे में कहीं भी चल जाओ आप, 50 रुपये ही लेंगे। वो ज़्यादा है पार्किंग यार। कार का कितना लेते हो? कार का कार का कार का फोर व्हीलर कर दो ले लगा यहाँ पे। ये अगर खो गई तो थोड़ा एक बार फोन में फोटो खींच लो। तो ये यहाँ पे तो 12 घंटे की पार्किंग लगा रहे हैं एक साथ, तो 1 घंटे में आओ, 2 घंटे में आओ या 10 घंटे में आओ, 12 घंटे तक के आपके पार्किंग चार्जेस लगेंगे और बाइक के लिए 50 रुपये, कार के लिए 120 रुपये, जैसा कि आपने सुना। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, यही अपने पास ऑप्शन नहीं है ना, सो गो विद इट। चलिए, हैंडल लॉक कर दिया गाड़ी का, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग पैदल ही। और ये वाली जो स्टैचू आप देख सकते हैं, यहाँ पे विजिट करेंगे पर अभी नहीं, क्योंकि अभी समय नहीं बचा अपने पास ज़्यादा, हमें हर की पौड़ी पहुँचना है जल्द से जल्द। ये जो मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई है, जस्ट यहीं से ही आप चढ़ के और हर की पौड़ी पे जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट रास्ता है वहाँ जाने का। आप अपने सामने एक घंटाघर देख पा रहे होंगे, जो जिसपे घड़ी बना हुआ है, वही हर की पौड़ी है। आई थिंक उसके थोड़ा सा आगे बढ़ के हर की पौड़ी है, वो तो घंटाघर घाट है। तो हमें बस पैदल यहाँ चलते हुए जाना है और 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग हर की पौड़ी पहुँच जाएंगे और एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढेंगे जहाँ से अच्छे से आरती देख सकते। ये जो स्टैचू आप अपने सामने देख सकते हैं, ये गंगा माँ का स्टैचू है, जो कि गंगा जी के बीचों बीच लगाया गया है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जल के बीचों बीच। और यहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा चल रहा है, जिसकी वजह से ऑडियो में की क्वालिटी में आपको इशू थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हवा का तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना।
और ये जस्ट कुछ दूर बाद हम लोग चल के पहुँच जाएंगे हर के पौड़ी पे। आप देख सकते हैं कितना हर्षोल्लास से और खुशी से बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं, बड़े लोग भी नहा रहे हैं, सारे भक्त नहा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये माहौल। और ये है गंगा जी की मुख्य धारा, यहाँ पे भी बहुत से लोग स्नान करते हुए आपको दिख जाएंगे। मान्यता है कि अगर आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे बुरे कर्म आपके माफ कर दिए जाते हैं और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और ये है हरिद्वार का घंटाघर, देख सकते हैं हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसे ही धीरे धीरे शाम होगा, संध्या का समय होगा, आरती का समय होगा, ये भीड़ और बढ़ती चली जाएगी। सामने देख सकते हैं भागीरथी सेतु, जिसके नीचे बहुत से भक्त आपको नहाते हुए दिख जाएंगे। बहुत ही तेज धारा है यहाँ पे गंगा जी की, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नहाएं इस बैरियर के अंदर ही नहाएं, बाहर ना जाएं, क्या पता आप बह के चले जाएं। आप अपने सामने देख सकते हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट, जो कि हरिद्वार का बहुत ही फेमस फूड चेन वाला है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। बढ़ रहा था तभी मैंने देखा ब्रिज के पास बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, तो मैंने एक बंदे से पूछा तो पता चला कि ये लोग आरती देखने के लिए बैठे हुए हैं। जो घंटाघर आप देख सकते हैं, इसी के जस्ट पास में सामने में आप देखेंगे तो एक वाइट कलर का फ्लैग लगा हुआ है जिसपे गंगा जी का फोटो है, और वहीं पे है माँ महाकाली देवी मंदिर, और इसी के जस्ट बगल में गंगा आरती की तैयारियाँ की जा रही हैं, तो यहीं बैठकर आपको गंगा जी की आरती देखनी होती है। मैंने भी एक अच्छा सा जगह चुनकर बैठ गया हूँ नीचे, और जैसे ही गंगा आरती शुरू होगी आप सभी को अपडेट किया जाएगा। देख सकते हैं आप भक्तों की भीड़ यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगी है, बहुत से लोग आ गए हैं, और धीरे धीरे ये और भी बढ़ती चली जाएगी। आपको इस तरह के प्लास्टिक बेचते हुए बहुत से लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो एक थैला है ये 10 रुपये का देते हैं, और ये एक मैट है बहुत बड़ा है, इस पर 4-5 आदमी बैठ सकते हैं, ये 20 रुपये का देते हैं। ये जो गंगा आरती होती है वो ब्रह्मकुंड पर होती है, आप देख सकते हैं वहाँ पर ब्रह्मकुंड लिखा हुआ है, हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड, और आप इसके जस्ट सामने खड़ा होकर गंगा आरती को देख सकते हैं। चाहे तो उसके पीछे भी बैठकर आप गंगा आरती देख सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग जो है वेस्ट व्यूज़ के लिए उसके सामने खड़ा होकर ही देखना पसंद करते हैं। और ये है घंटाघर के जस्ट बगल में, आप जब यहाँ आए तो इस जगह पर ढूंढिए, ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी लिखा हुआ होना चाहिए, और उसके सामने बैठ जाइए। यहीं पर है मुख्य गंगा माता मंदिर, तो अगर आप गंगा माता मंदिर दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर है अस्थि प्रवाह घाट। जय जय छोटी आरती में 150 लगता भी है,
ये इक्कीस आरती होती है, एक बड़ी आरती में 500 है और छोटी आरती में 100 मतलब है। अपना दान दे और ये भी दान का आशीर्वाद दे। यहीं पे कुछ फॉरेनर्स बैठे हुए हैं जिनके साथ इंडियन पीपल बहुत सारे फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। काफ़ी बहुत ही खुश करने वाला माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। जो घंटाघर है इसका नाम है राज बिरला टावर। जैसा कि आपने देखा यहाँ की आरती बेहद ही खूबसूरत थी और बहुत सारे भक्त यहाँ पे आए हुए थे हजारों की संख्या में, और हरिद्वार आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और गंगा जी का इतना साफ पानी देखकर और भी ज़्यादा मजा आ गया। तो चलिए अब चलते हैं होटल, थोड़ा सा और आपको मैं इधर के घाट वगैरह घुमाऊंगा, थोड़ा सा भक्तों को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं होटल जाऊंगा और कल हम लोग मनसा देवी वगैरह घूमने वाले हैं। एकदम दशाश्वमेध घाट वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पे, उससे बेटर फीलिंग आ रही थी। और बस एक ही चीज़ का मुझे थोड़ा सा मलाल रहेगा मन में कि आरती बहुत जल्दी ख़त्म हो गई यार, मतलब थोड़ा सा और रहता तो और मज़ा आता। आई थिंक दशाश्वमेध घाट की आरती से ज़्यादा लंबी होती है, यहाँ पे सिर्फ एक गंगा आरती की गई उसके बाद आरती ख़त्म, और दशाश्वमेध घाट पे बहुत सारी आरतियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये और थोड़ी सी और लंबी होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। खैर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं जो कि गंगा जी के पानी में स्नान करके आनंद ले रहे हैं। ये जो धारा आप अपने सामने देख सकते हो जो कि ब्रह्मकुंड वाली धारा है, ये डाइवर्टेड धारा है जो कि जिसका स्पीड थोड़ा सा कम है, और जो मुख्य धारा है इसके जस्ट अपोजिट साइड में है और उसका स्पीड इससे कई गुना ज़्यादा है। तो आइए आपको मुख्य धारा दिखाता हूँ। ज़्यादातर भक्त जो डाइवर्टर धारा है उसी से स्नान करते हैं, पर ये जो मुख्य धारा है इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग इसमें कम स्नान करते हैं। हालांकि इधर भी बैरियर्स बनाए गए हैं कि आप बैरियर के उस साइड ना जाएं, और बैरियर के इस साइड बहुत सारे सिक्कड़ लगाए हुए हैं तो आप उनको पकड़ के स्नान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कई बच्चे भी स्नान कर रहे हैं। और ये वही ब्रिज है जिस ब्रिज से मैं क्रॉस करके उधर पार्किंग में गया था और गाड़ी लगाई थी, बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं गंगा जी का पानी कितना साफ है, और सामने में एक ब्रिज है जिसको क्रॉस करके आप उधर रोड पे जा सकते हैं। ब्रिज आप देख सकते हैं, ये जो पुल है इसका नाम है धनुष पुल, और यह एक धनुष बाण के जैसा दिखता है, बीच में दो बाण हैं और ये पुल जो है पूरा का पूरा अपने आप में ही धनुष है, देखने में बेहद खूबसूरत। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह कर दी जाए तो और भी सुंदर हो जाएगा। उस ब्रिज के पास से आपको हर की पौड़ी का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो कि बेहद खूबसूरत है। तो अभी हम लोग धनुष ब्रिज पे हैं, काफ़ी अंधेरा है इस ब्रिज पे, थोड़ी सी लाइटिंग की ज़रूरत है। अगर लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी कर दी जाए तो ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और थोड़ा सा इसको मरम्मत की भी ज़रूरत है, पेंटिंग वेंटिंग की। बाकी बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, काफ़ी पुराना है, तो मेटल का इसका फर्श है तो काफ़ी पुराना ही होगा। और आप यहाँ से गंगा जी की धारा देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये यहाँ से हर की पौड़ी कुछ ऐसी दिखती है, और यह मुख्य गंगा जी की जो धारा है वो है
आप अपने सामने देख सकते हैं भागीरथी सेतु और उसके सामने बह रही गंगा जी की जो धारा है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, बेहद खूबसूरत। ब्रह्मकुंड पर आप बिना जूते खुले नहीं जा सकते हैं, इसका सख्त निर्देश है। यहाँ पर ब्रह्मकुंड पे आते ही आपको काली माता की एक बहुत ही सुंदर सी स्टैचू देखने को मिलती है। और आप अपने सामने देख सकते हैं ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी बेहद ही खूबसूरत। देख सकते हैं भक्तों की भीड़ बेहद खूबसूरत। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मार्केट है और इसी मार्केट से होते हुए माता मनसा देवी के लिए भी रास्ता जाता है, रोपवे जाता है और यहाँ पे आप बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप गंगा जल भर के लेकर जाना चाहते हैं तो डब्बे मिल जाएंगे और खाने पीने का भी यहाँ पे एक गली है जिसमें आप जाइएगा तो बहुत कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा, पूरा पेट भर खा सकते हैं आप। बहुत ही बड़ा मार्केट है यहाँ पे, देख सकते हैं आप चारों तरफ मार्केट ही मार्केट। और अभी हम लोग भागीरथी सेतु पर चढ़ रहे हैं, ये आप अपने सामने देख सकते हैं भागीरथी सेतु और यहाँ से हर की पौड़ी का कुछ अच्छा व्यू आता है। और ये है गंगा जी की धारा जो कि डाइवर्टेड वाली है, फिर भी इसका तेज आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। हर की पौड़ी और घाटों वाला बहुत ही बड़ा एरिया है, आप इसको पैदल चल चल के भी घूमेंगे तो आप काफ़ी थक जाएंगे, बहुत बड़ा एरिया है। अभी तो बनारस की घाटों की जैसे। और ये आप देख सकते हैं ये है ओम सेतु जिस पे लाइटिंग वगैरह कुछ किया गया नहीं है जिसकी वजह से रात को ये उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, तो दिन के समय मैं आपको यहाँ पे लाऊंगा कल और आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है ओम सेतु। फिलहाल हम लोग चलते हैं होटल और वहाँ पे कुछ एडिट वेडिट करते हैं, वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं आपको अपडेट करते हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं आ चुका हूँ डिनर करने के लिए, तो चलिए चलते हैं सुबह वाले होटल में जहाँ मैंने सुबह में लंच किया था, अभी वहीं पे डिनर करूंगा क्योंकि उसकी थाली बहुत अच्छी थी। अगर आप स्कूटी रेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ जाइए श्री राम टूर एंड ट्रेवल्स, ये मोबाइल नंबर है उनका, और 500 रुपीज़ पर डे पे स्कूटी रेंट कर सकते हैं आप।